नमस्कार दोस्तों, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजकुमार मौर्या, यह वीडियो इनकम टैक्स पर बना रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन देने जा रहे हैं आप लोगों को जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने प्रश्न है, हिंदी में हम पढ़ देते हैं। दिया गया है, श्री देवेंद्र जो दिल्ली की एक कंपनी में कर्मचारी हैं, श्री देवेंद्र जो दिल्ली की एक कंपनी में कर्मचारी हैं, 25,000 रुपया मासिक वेतन तथा 10% वेतन का महंगाई भत्ता पाते हैं। वह 1,000 रुपया मनोरंजन भी भत्ता भी पाता है। उसने कंपनी के ग्राहकों की आवभगत पर 5,000 रुपये किया। उसे एक असुसज्जित मकान मिला हुआ है जिसका उचित किराया 4,000 रुपया मासिक है। मकान कंपनी का है। उसे एक छोटी कार मिली हुई है जो निजी व कार्यालय दोनों के प्रयोग में आती है। उसके रख रखाव एवं चालक सहित चलाने पर व्यय कंपनी वहन करती है। देवेंद्र ने कंपनी से 1,00,000 रुपया का ऋण 1 वर्ष पूर्व लिया है, मतलब जिस पर ब्याज नहीं देता है। यह मानिए भारतीय स्टेट बैंक से अगर यह ऋण लेता तो 10% ब्याज देना होता। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए श्री देवेंद्र के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। वैसे भी आपके सामने हमने प्रश्न दे रखा है, वेतन 25,000 रुपया महीना पाएंगे, महंगाई भत्ता 10% ऑफ सैलरी दिया है, 10% ऑफ सैलरी, मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपया प्रति महीना, आवभगत पर 5,000 रुपया खर्चा कर रहा है, असुसज्जित मकान मिला हुआ है, उचित किराया जिसका 4,000 रुपया पर मंथ है, मकान कंपनी का है, छोटी कार मिली हुई है, निजी एवं कार्यालय के प्रयोग में आती है, चालक सहित 1,00,000 रुपए का ऋण लिया है कंपनी से जिस पर कंपनी ब्याज नहीं लेती, SBI इस पर 10% ब्याज लेती है, आयकर विवरणी जमा करना है। हम यहां पर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 और 2020 कर निर्धारण वर्ष है। यहां पर थोड़ा अगर हम कॉलम बनाना चाहें तो छोटा सा कॉलम बना सकते हैं, इसमें वैसे भी क्वेश्चन लग जाता है। इसमें यहां पर पार्टिकुलर है, यहां पर अमाउंट है, सैलरी पा रहे हैं, सैलरी 25,000 रुपया महीना, वेतन दिया है 25,000 रुपया महीना, कैलकुलेटर का प्रयोग कर ले रहे हैं हम, 25,000 गुणे 12 हाँ, यानी कि पूरे साल भर का वेतन 3,00,000 रुपया वेतन पा रहे हैं। महंगाई भत्ता वेतन का 10% बोल रहा है, डियरनेस अलाउंस वेतन का 10%, वेतन है पूरे साल का 3,00,000, 3,00,000 का 10% 10/100, 3,00,000 का 10% हो जाएगा 30,000 रुपया महंगाई भत्ता पाते हैं। मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपया महीना पाते हैं। बारह महीने का 12,000 रुपया, कह रहे हैं आवभगत पर 5,000 रुपया खर्चा किया, मतलब जो ग्राहक आते हैं उनके पीछे 5,000 रुपया खर्चा किया। ध्यान दीजिए, यदि यदि कर्मचारी सरकारी है तो उसको छूट मिलती है, मनोरंजन भत्ते के लिए नियम है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो पूरे पर टैक्स देना पड़ता है। 1,000 रुपया महीना पा रहे हैं, पूरे 12 महीने पे 12,000 पाया। उसके बाद इन्होंने दिया है असुसज्जित मकान उचित किराया 4,000 रुपया देते हैं। यहां पर रेंट फ्री हाउस निकलेगा। असुसज्जित मकान के लिए नियम होता है, जब जनसंख्या दिया हो, जनसंख्या तो इसमें दिया नहीं है, अगर जनसंख्या नहीं दिया है तो वेतन का 15%, जनसंख्या नहीं दिया है तो वेतन का 15% निकाल लेते हैं। यहां पर वेतन का आशय होगा मूल वेतन महंगाई भत्ता, उसके बाद समस्त कर योग्य भत्ते आते हैं वेतन से आशय में। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, समस्त कर योग्य भत्ते, कमीशन आता है, तो वेतन का 15% निकाला जाएगा। वेतन में 3,00,000 जुड़ेगा, 30,000 जुड़ेगा और 12,000 जुड़ेगा।
और 12,000 जुड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा 42, 3,42,000 का 15% टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नहीं दिया है तो वेतन का 15% निकाल लेंगे। 3,42,000 × 15/100 यहां पर आ रहा है रेंट फ्री हाउस 51,300 होगा। उसके बाद दिया छोटी कार, स्मॉल कार, छोटी कार दी गई है, छोटी कार है तो 1,800 रुपया। घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, निजी एवं कार्यालय दोनों में प्रयोग आती है। कार के लिए 1,800 रुपया प्रति महीना और उसके ड्राइवर के लिए 900 रुपया प्रति महीना कर योग्य होता है। 1,800 और 900 जोड़ देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 1,800 × 900 × 12 हो जाएगा हमारा 32,400 रुपया। 32,400 रुपया कार की वैल्यूएशन हो जाएगी, कार की सुविधा का मूल्य। छोटी कार है तो 1,800 रुपया होगा, ड्राइवर का 900, 12 महीने का। 1,800 900 को जोड़ देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 32,400 हमारा आ गया। उसके बाद दिया है ऋण लिया 1,00,000 रुपए का, कंपनी से ऋण ले लिया 1,00,000 रुपए का। अगर यही ऋण SBI से लेता तो 10% ब्याज देना होता, तो ये भी सुविधा मिली है उसे। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट लिया है उस पर 1,00,000 का SBI से लेता 10% लगता, मतलब 1,00,000 का 10% 10,000 रुपया सुविधा का मूल्य माना जाएगा। सुविधा का मूल्य माना जाएगा कितना, 10,000 रुपया भी जोड़ लिया जाएगा। जब जोड़ देंगे तो आएगा ग्रॉस सैलरी। अब जोड़ लेते हैं 3,12,000 30,000 51,300 32,400 10,000 यहां पर 4,35,700 हमारा आ गया ग्रॉस सैलरी। लेस कर देंगे, कह रहे हैं आयकर ब्यूरोडी जमा करता है, आयकर ब्यूरोडी जमा करता है अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट मिलेगी 40,000 रुपए की। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 छूट मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए की। 40,000 घटा देंगे 4,35,700 में से, 3,95,700 टैक्सेबल नेट सैलरी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, वेतन पा रहे 25,000 रुपया महीना, 25,000 का 12 से गुणा 3,00,000, महंगाई भत्ता वेतन का 10%, महंगाई भत्ता दिया है वेतन का 10%। उसके बाद हमने लिख दिया मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपया महीना 12,000। रेंट फ्री हाउस, मकान दिल्ली में है, दिल्ली मुंबई से नहीं, मतलब इसमें है वेतन का 15% अगर जनसंख्या नहीं दी है, यानी कि वैसे भी जनसंख्या 25,00,000 से जहां ज्यादा होती है वहां 15%, जहां 10,00,000 से कम होती है 7.5%, 10,00,000 से अधिक 25,00,000 तक 10%, 25,00,000 से अधिक 15% वेतन का, तो यहां पर 15% लगेगा क्योंकि जनसंख्या नहीं दी गई है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, समस्त कर योग्य भत्ते, कमीशन जोड़ लेते हैं। देखो वेतन, महंगाई भत्ता और एंटरटेनमेंट अलाउंस कर योग्य भत्ता 12,000 जोड़ लिया, 15% निकाल लेंगे 51,300। छोटी कार है 1,800 रुपया महीना, ड्राइवर का 900 रुपया महीना गुणे 12, 32,400 कार की सुविधा का मूल्य हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, यही लोन अगर SBI से लेते 10% ब्याज लगता, 1,00,000 का 10% 10,000 सुविधा का मूल्य हो गया। जोड़ लेंगे ग्रास सैलरी 4,35,700, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत छूट मिल जाएगी 40,000 रुपए की। टैक्सेबल नेट सैलरी हमारा आ गया 3,95,700। इस वीडियो के लिए इतना ही, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।